सभी एक बार बोलेंगे जय श्री राम। ऐसी आवाज तो जाए हमास तक तो पहुंचा दो, हिंदुस्तान की आवाज हमास तक जानी चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित मंच और इस मंच पर कला का मंचन कर रहे कलाकार और जो मंचन करा रहे ऐसे पर्दे के पीछे बैठे हुए मेरे बंधु सभी को मैं इस मंच के माध्यम से वंदन करती हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं भी जो प्रमोद भाई बोल रहे थे, मैं भी बचपन से इस लीला को देखते देखते बड़ी हुई हूँ। लीला मात्र मंचन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लीला मात्र मंचन नहीं है, लीला सिखाती है हमें कि परिवार में कैसे त्याग करते हैं, कैसे भाई का सम्मान करते हैं, कैसे माता का सम्मान करते हैं, कैसे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ से सिखाएंगे, आप लोग भी सीखेंगे, तभी बच्चे सीखेंगे। तो इसको मात्र रामलीला समझ करके ना जाए यहाँ से, या रामलीला समझ कर ना देखें। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं, बुद्ध भी हुए हैं, महावीर भी हुए हैं। बाकी किसी देश में कुछ नहीं हुआ है, आतंकवादी हुए बाकी देशों में। तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से, लीला का आनंद लें। बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हम तो नेता लोग हैं, एक बार माइक हाथ में आ जाए तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि लीला का मंचन चल रहा है, आप लोगों के बीच में ज्यादा देर हम रुकावट नहीं भरेंगे। एक बार दोनों हाथ